लेकिन पीयूष भी एक बार भी बाहर नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। पीयूष तो है ही घमंडी एंड सौरभ जोशी उससे भी ज्यादा घमंडी। तो पागल औरत, मुझे अक्ल है, तू क्या बोल रही है? चुप, बस बाहर में जाए सौरभ जोशी। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए कमाल की वीडियो में। तो दोस्तों, इतने दिनों के बाद हम अपनी वीडियो के अंदर फिर से बात करने वाले हैं आप सभी की प्यारी एंड लाडली एंड यूट्यूबर्स की जानी दुश्मन पायल जो नहीं सॉरी पायल जो नहीं बल्कि पागल, पागलों की महापागल जोन के बारे में। ओह माय गॉड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, उसके आगे कितनी भी बीन बजा भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही हाल है इस पागल जोन का। मतलब यार, इस पागल जोन को कोई कितना भी समझा ले, इसके ऊपर कितनी भी रोस्ट वीडियो बन जाए, लेकिन इस पागल जोन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब यार, जब देखो ये पागल जोन आए दिन अपने चैनल पर किसी न किसी यूट्यूबर से रिलेटेड फालतू फंड की बकवास वीडियो बनाकर अपलोड करती रहती है। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन दोस्तों, अब इस पागल जोन ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अंदर बिना फालतू की कमी निकालने के लिए एक और तरीका निकाल लिया। मतलब यार, जब देखो आए दिन ये किसी न किसी यूट्यूबर से मिलने चली जाती है। मतलब यार, कभी ये पागल जोन बोलती है कि आज मैं सौरभ जोशी से मिली, कभी बोलती है कि मैं आज ट्रिगर्ड इंसान से मिली, तो कभी बोलती है कि मैं आज मिस्टर इंडियन हैकर से मिली। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में इस पागल जोन की वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पागल जोन सिर्फ और सिर्फ ऐसे फालतू फंड की बकवास वीडियो बनाती है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अंदर बिना फालतू के कमी निकालकर अपनी वीडियो पर फालतू फंड के व्यूज छापती है। हेलो गाइस, तो दोस्तों आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा और स्पेशल दिन है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में है हल्द्वानी और हल्द्वानी में आपको पता ही है कौन रहते हैं। सो आज मैं मिलने वाली हूँ सौरभ जोशी से। अरे क्या कहा पागल जन की, तू जा सौरभ जोशी से मिलने वाली है, तो प्लीज पागल जन मत मिल, क्योंकि तूने तो बोल दिया कि तेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा और स्पेशल दिन है। लेकिन पागल जन, तेरे से मिलने के बाद तो सौरभ जोशी का दिन के साथ साथ मूड भी खराब हो जाएगा ना। बात तो सही है। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, मैं काफी ज्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो मुझसे मिलेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। अरे तो पागल जन, तुझे अभी भी सौरभ जोशी का रिएक्शन जानना। मतलब पागल जन, सौरभ जोशी ने जो ट्रिगर्ड इंसान के साथ वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में तेरे प्रति उनका रिएक्शन तुझे दिखाई नहीं दिया था क्या? पागल जन, सही बताऊं तो जहां तक मुझे लगता है कि तुझे देखने के बाद सौरभ जोशी के मुंह से बस एक ही बात निकलेगी और वो है ये। अब ये कौन है बे? मेरे को तो लगता है कि वो यही बोलेंगे कि भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो थोड़े से हो जाते हैं ऑफेंड। तो दोस्तों देख लो आपसे भी, मतलब यार ये मेंटल पागल जन बोलते हैं ऐसे, जैसे कि न जाने सौरभ जोशी से ये पागल जन कितनी बार मिल चुकी है। और रही बात ऑफेंड की, तो जब पागल जन तुझे पता है कि सौरभ जोशी ऑफेंड हो जाते, तो फिर क्यों तो उनके ऊपर आए दिन झूठे इल्जाम लगाकर बिना फालतू की बकवास वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करती रहती है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी निकलते हैं घर से। गाइस, मैं बस स्टैंड पहुंच चुकी हूँ, अब मैं मेट्रो पे आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, सुन रहे हैं आप सभी इस मेंटल पागल जोन की बातों को। मतलब यार, इसने बस स्टैंड का तो सही बोला कि मैं बस स्टैंड पे पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर आकर बोलती है कि मैं मेट्रो पे आ चुकी हूँ। सो मेट्रो में आ गए हैं, मेट्रो से नई दिल्ली उतर के वहाँ से हम ट्रेन लेंगे उत्तराखंड के लिए सीधी। अरे तो पागल जन, ये सब तो ठीक है, लेकिन पागल जन सही बताऊं तो तूने एक काम बिल्कुल सही करा है कि तूने जो है मेट्रो में अपना मास्क लगा रखा है। तो पागल जन, एक बार सोच के देख कि अगर तू अपने चेहरे पर मास्क लगाती ना, तो उस समय जितने भी लोग होते ना, उनके द्वारा तेरे को कितनी गालियां और जूते चप्पल मिलती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मैं पहुंच गई सौरभ की सोसाइटी के बाहर। गाइज ये देखिए, मैं अभी सौरभ जोशी की सोसाइटी के बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए हैं, लड़के वगैरह, उनसे मिलने के लिए। अरे तो पागल जन, हम कैसे यकीन कर ले कि तू जो है सच्ची में सौरभ जोशी की सोसाइटी के बाहर खड़ी है? कम से कम अपना फोटो तो दिखाती, अपनी वीडियो तो दिखाती। लेकिन यार, इस पागल जोन ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि पागल जोन भी अच्छे से जानते और हम सब लोग भी अच्छी तरीके से जानते कि ये पागल जन ऐसे बिना फालतू के एडिटिंग करके बस लोगों का पागल बना रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब पागल जन, मैं ना तुझे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस तरीके से तू दूसरों की वीडियो को कट करके अपनी वीडियो में ऐड करके वॉइस ओवर करके जो तू लोगों का पागल बना रही है ना, अगर तू इतने दिमाग कुछ अच्छे काम में लगाती तो शायद आज तू किसी और मुकाम पे होती। यूं इस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाकर व्यूज की भीख नहीं मांग रही होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि जब मैं सौरभ की सोसाइटी के बाहर खड़ी थी धूप में, तो वहाँ पे तो कोई आया नहीं अपनापन दिखाने के लिए। सौरभ जोशी खुद भी नहीं आए कि दो मिनट के लिए आकर मेरे से मिल ले। वो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, मैं उनके ऊपर कब से वीडियो बना रही हूँ, फिर उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई ट्रिगर्ड इंसान के साथ मिलकर, इतना सब कुछ हुआ, वो मेरे को अच्छे से जानते हैं, बट उसके बावजूद भी वो मुझसे नहीं मिले। हाँ तो पागल जन, ये सब तो अच्छा हुआ ना। और वैसे पागल जन, तेरी इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है? और वैसे भी सही बताऊं तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, बल्कि तेरी खुद की है। क्योंकि पागल जन, जिस तरीके से तूने लोगों के सामने अपनी इमेज बना रखी है ना, सही बताऊं तेरे से मिलने की तो बहुत दूर की बात, कोई तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता है। ज्यादा बुरा लग रहा है सब लोगों के लिए, सबसे ज्यादा मेरे को उन आंटियों के लिए लग रहा है जो उनकी सोसाइटी के बाहर खड़ी थी। काफी सारी आंटियां खड़ी थी अपने बच्चों के साथ जो कि सौरभ से मिलने आई थी, उनके बच्चे फैन होंगे सौरभ जी के, वो बड़ी बड़ी उम्र की आंटियां आई हुई थी सौरभ जी से मिलने। लेकिन सौरभ जी फिर भी एक बार के लिए भी नहीं आए कि भाई हाँ, उन आगे आंटियों को नमस्ते ही बोल दे एटलीस्ट, कि इतनी देर से खड़ी है मेरे लिए। अरे हाँ पागल जन, ये सही है, ले ले तू आंटियों का नाम ले लेकर सिंपैथी। मतलब पागल जन, लोगों को ना पागल समझना तो बंद कर दे, क्योंकि लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है। रही बात पागल जन आंटियों से मिलने की, तो न जाने पागल जन दिन में को सौरभ जोशी की सोसाइटी के बाहर कितने हजारों लोग आते होंगे।
क्या पागल जो ना सौरभ जोशी हर किसी से मिलना शुरू कर देंगे क्या, उनके पास और कुछ काम नहीं है? तो भाई आप लोग देख सकते हैं सौरभ जोशी में घमंड कितना ज्यादा चूर चूर होके भरा हुआ है। अरे क्या कहा पागल जोन की सौरभ जोशी के अंदर घमंड कूट कूट के भरा है। तो पागल जोन सही बताऊं तो सौरभ जोशी का तो पता नहीं, लेकिन दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलकर दुनिया के सामने उनको नीचा दिखाकर अपनी वीडियो पर व्यूज लेने की जो भूख है ना वो तेरे अंदर साफ साफ दिखाई दे रही है। बिकॉज मैं सबको नहीं कह रहा हूँ 99% सब्सक्राइबर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जो 1% लोग होते हैं जो वीडियो के चक्कर में आते हैं और बदतमीजी करते हैं बाहर और बहुत कुछ करते हैं। जब मैं इनकी सोसाइटी के बाहर गई थी कोई भी शोर नहीं मचा रहा था, सब लोग प्यार से खड़े थे कि जैसे ही सौरभ जी आएंगे हम मिल लेंगे, कोई भी शोर नहीं मचा रहा था। ये झूठ मूठ अपनी वीडियो में बोलते रहते हैं कि लोग गाली गलौज करते हैं सोसाइटी के बाहर आके एंड ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं गलत गलत, बट गाइस कोई कुछ नहीं करता सब। अरे तो यार ये पागल जोन की कौवे जैसी चोंच को बंद करो, इतनी देर से काव काव करे जा रही है। मतलब यार सौरभ जोशी ने भी खुद बोल दिया कि 99% लोग अच्छे होते हैं जबकि 1% ऐसे लोग होते हैं जो कि वीडियो बनाने के मकसद से आते हैं फिर वो जाके वहाँ पे बदतमीजी करते हैं। लेकिन यार इस मेंटल पागल जोन को कौन समझाए, मतलब यार इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये पागल जोन फिर भी सौरभ जोशी को ही गलत ठहरा रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। अब अरे तो पागल जन ये बात तो तूने सही बोली कि सौरभ जोशी के घर पर मिलने मत जाओ, क्योंकि गाइस हो सकता है कि सौरभ जोशी अपने काम में बिजी हो तो वो आपसे ना मिल पाए। लेकिन हाँ दोस्तों मैं इस पागल जन को बस एक ही बात करना चाहता हूँ कि पागल जन मुझे किसी और दूसरे बंदे का तो पता नहीं, लेकिन प्लीज पागल जन तू किसी को मिलने मत जाएगा, क्योंकि पागल जन तेरी इस पनौती जैसी डरावनी शक्ल को देखकर ना कोई भी इंसान अपना मूड खराब नहीं करना चाहेगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रहे, देव मानुष निकला रहे। वो इतने ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर पायल जोन से नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों से तो क्या ही मिलेंगे। अरे रे क्या कहा पागल जोन की तेरे जैसी पॉपुलर यूट्यूबर से नहीं मिले, मतलब पागल जोन तू पॉपुलर यूट्यूबर है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे तो पागल जन तो यूट्यूबर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं ये भी ठीक है, झूठ मूठ की बकवास वीडियो बनाते हैं ये भी ठीक है, लेकिन पागल जन ये इस तरीके से झूठी मूठी गलत फहमी पालना बंद कर दे, क्योंकि पागल जन सभी को पता है कि तू इस दुनिया में कितना पॉपुलर है। लेकिन हाँ पागल जन एक बात तो है, अगर गाली के मामले में देखा जाए कि कौन पॉपुलर, तो पागल जन पॉपुलर की लिस्ट में सबसे पहला नाम तेरा ही आएगा। तो मैं तो जितने भी लोग सौरभ से मिलने जाते हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि भाई तुम अपना काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो एंड अपने आप को सौरभ से आगे लेकर जाओ, तुम बनो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर, बचाएगी सौरभ जी के पीछे पड़ने के, उनकी सोसाइटी के बाहर जाके खड़े होने के और भी बहुत सारे काम है जो तुम कर सकते हो। तो बस अरे तो पागल जन ये जो तूने इतना लंबा चौड़ा बिना फालतू का भाषण दिया, इतना सारा ज्ञान दिया, अगर यही सब चीजें तो अपने आप पे भी लागू करे ना तो तुझे यूं इस तरीके से अपनी वीडियो में लोगों की गालियां खानी नहीं पड़ेगी, क्यों कही सही कह रहा हूं मैं? सब बस बेटा बहुत बढ़िया। तो चलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतने, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना, और हाँ गाइस अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो करो ना भाई क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।